बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर महासचिव परविंदर सिंह फिर से उप चुनाव में मिली जीत के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। बीएसपी के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान किया। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के सम्पन्न हुए चुनाव में ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंचोर के पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ओए के पदाधिकारियों का विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन कार्यालय के सभा कक्ष में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों बीएसपी ओए के अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर, महासचिव परविंदर सिंह और कोषाध्यक्ष अंकुर मिश्रा का पुष्पहार और बुके भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही बधाई और शुभकामनाएं दी गईं और ओए द्वारा अधिकारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंचोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पदाधिकारी हैं या समाज के लोग हैं जो लाइब्रेरी में अपनी काफ़ी प्रतिष्ठा रखते हैं और उन्होंने वह जैसे मिलकर कई ऐसे प्रोग्राम भी किए, तो उसमें एक हमारा सबसे बड़ा संगठन है जो पूर्वाधिकारियों का है। पूर्वाधिकारियों का जो संगठन है वो इसी वही बिल्डिंग से ही संचालित होता है। उनके सभी पदाधिकारी आज मिलने आए थे हमारी नई कमेटी से और हम लोग ने पूरी कोशिश भी की पिछले कई वर्षों में जब से हम लोग की कमेटी आई ताकि हम लोग अपने एक्स ऑफिसर्स पूर्व अधिकारियों के हितों के लिए काम कर पाए और हम लोग ने करीब करीब काफ़ी मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया। जो मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्फ पेंशन स्कीम की राह हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे। सेल्फ पेंशन स्कीम हमारे पिछले कार्यकाल में हमने उसको पूर्ण किया और सभी को उनका लाभ मिला है। सेल्फ पेंशन स्कीम का मेडिक्लेम को लेकर उनके जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने काफ़ी काम किया, जो उनके मुद्दे थे उस पर इतना काम किया कि हमारा सेल्फ प्रबंधन ने भी इस बात को समझा कि मेडिक्लेम को रिवाइज़ करना चाहिए। तो आज से करीब दो साल पहले सेल्फ मेडिक्लेम भी हम लोग करीब प्लस पर रिवाइज हो गई है। जो पहले बेनिफिट 2+2 का मिलता था, हस्बैंड और वाइफ मिलाकर 2+2 को 2,00,000 रुपीज़ का साल का कवरेज हुआ करता था मेडिक्लेम का, वो बढ़कर अभी 4+4 8,00,000 रुपये का हो गया है। हम लोग ने काफ़ी समय से प्रयास किया था कि जो हमारे 75 साल के ऊपर के कार्मिक हैं, चाहे वो अधिकारी हो कार्मिक हो, उनका मेडिक्लेम पर पैसा नहीं देना चाहिए इंश्योरेंस के लिए, आपको उसमें टोकन मनी पे काम करना चाहिए। तो हमारी बात सेल्फ प्रबंधन उस समय सुनी और आज वो लागू हो चुका है कि सिर्फ 100 रुपये टोकन लेकर 80-700 करके ये तो हमारे कार्मिक हैं चाहे अधिकारी हो कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य हैं उनको उसका लाभ दिया जाता है। उसका दूसरा 2195 पेंशन स्कीम पर वो इन्हें कभी बड़ी पहल की थी, रिटायरीज के लिए बहुत बड़ी योजना है ये और इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, क्योंकि ये हम लोग 2017 से इस मुद्दे पर काम कर रहे थे। EPS 95 पेंशन स्कीम BPO द्वारा संचालित होती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जब 2017 में आई तो उसमें हमारे बारे में जिक्र नहीं था, जिनका खुद का सीक्रेट ट्रस्ट उसको उसमें जिक्र नहीं किया गया था। तो हम लोग ने पूरा प्रयास किया, हर लेवल पर अपने संघर्ष किया। हम लोग ने झारखंड हाईकोर्ट में रांची में सेफी ने हमारा जो कमांडर सेफी जिसके मैं चेयरमैन हूँ तो वहाँ उन्होंने पहला केस दिखा, उसके बाद हम लोग ने नोटिस सर्व किए EPFO को भी सेल प्रबंधन को भी, उसके बाद सेल प्रबंधन ने भी काफ़ी तैयारियाँ उसको लेकर की, लेकिन मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने अपने एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन NCO और NCR के माध्यम से केस जीता। 4 नवंबर 2022 को फैसला आया और हमारे सभी कार्मिक चाहे वो अधिकारी हों कर्मचारी हों रिटायर्ड लोग और जो वर्किंग वो भी इस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और पिछले माह बता से करीब कुछ दिनों पहले की बात है कि हम लोग का BTI में एक मीटिंग भी हुआ, उसमें EPFO के जो एडिशनल कमिश्नर हैं प्रोविडेंट फंड के भोपाल वो रायपुर की मीटिंग थी, BSP प्रबंधन के सभी लोग थे, हम लोग मीटिंग थी यूनियन के लोग थे। उसमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, डिस्कशन हुआ जो कैलकुलेशन कर रहे थे कि कितना पैसा मिलना है। तो ये प्रयास हम लोग का था और उम्मीद है कि अच्छी स्कीम लोगों को मिलेगी, एक हमारा प्रयास था। और ऐसे ही बहुत सारे प्रयास अपने सभी अधिकारियों में हम लोग करते हैं। हम लोग यहाँ पर मेडिकल का कैंप कई बार लगाया है, सेमिनार हेल्थ सेमिनार लगाया है, तो कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ें। और जैसे
लीज हम लोगों ने लीज का हेल्प डेस्क खोला, तो मैक्सिमम लोग हमारे चाहे वो अधिकारी हों कर्मचारी हों उसका लाभ हम लोग को मिला है। बहरहाल ऑफिसर्स एसोसिएशन की पुरानी कार्यकारिणी एक बार फिर से अस्तित्व में आ चुकी है। बीएसपी के अधिकारियों ने नरेंद्र बंछोर की टीम पर अपना भरोसा जताकर उन्हें वापस जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र बंछोर की टीम अधिकारियों की आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।